आज हम 5 रुपए के मलाई को बिस्किट से बढ़िया सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा नाश्ता बनता है और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, देख लीजिएगा। है ये हाय फ्रेंड्स, टेलास किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम बढ़िया सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं टी टाइम स्नैक्स से, या तो आप दोपहर के टाइम पे भी में भी आप इसका नाश्ता कर सकते हैं। बहुत पेट भर जाएगा आपका, इतना अच्छा नाश्ता है और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, 5 रुपए से आपका पेट भर जाएगा, इतना अच्छा हेल्दी नाश्ता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, बॉईल करके लिया, इसे स्मैश करके ले लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, आधा डालेंगे हम, पूरा भरकर नहीं डालेंगे। और टमाटर डालेंगे, ये भी हमें आधा ही डालना है, बारीक एकदम बारीक चॉप कर कर आपको लेना है। इसे भी हमें मिक्स कर कर लेंगे। थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच डाला हमने ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। चाट मसाला हमने 1 छोटा चम्मच डाला है भरकर। 1/4 स्पून ही हमने नमक भी लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसे अभी अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया, इसे हम साइड में रख देंगे। हमने एक अंडा लिया हुआ, इसे भी हमें बारीक बारीक टुकड़ों में काटना है। ये देखिए अंडे को भी हमने एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है, एकदम बारीक काटना है आपको। प्लेट में लगा देते एक एक करके। ये देखिए सारे हम लगा देंगे यूं ही। ये देखिए हमने प्लेट पे सारे बिस्किट्स रख दिए। अभी इसके ऊपर हम एक फिलिंग रख देंगे, थोड़ा थोड़ा सा हमें रखना है। ये मेरी बेटी का रेसिपी है, वो जब ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस टाइम उसने खुद ने ये रेसिपी हमें बनाकर खिलाई थी, तो उसका ये रेसिपी है। इसी प्रकार हम सारे भरकर ले लेंगे। अब इसके ऊपर हमें अंडा रखना है, थोड़ा थोड़ा सा रखेंगे, दबा देंगे थोड़ा सा, नहीं तो पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए हमने अंडा भी रखा है, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला का, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए सब में कर देंगे एक एक समान। अब इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको भूख लगे खाना बनाने के लिए, आपको कंटाला आता रहेगा, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपका पेट भी भर जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा जल्दी। ये देखिए हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, जल्द से जल्द बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।